सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी गेट एनालिसिस गेट एनालिसिस में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की गेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप की गेट्स होती हैं उनकी असमेंट कैसे करते हैं उनकी कॉजेस क्या होती हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट क्या होता है सो लेट्सारो टू अंडरस्टैंड गेट एनालिसिस यू मस्ट नो अबाउट गेट साइकिल विच वी हैलरेडी डिस्कस्ट इन द प्रि लेक्चर so let's start with the, our first gate, that is intalgic gate. Intalgic gate, abnormal pattern walking का, जिसमें बंदा लंगड़ा के चलता है ठीक है और इसमें आपका स्टांस फेज छोटा होता है स्विंग फेज से ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकती हूँ गेट साइकिल में स्टांस फेज और स्विंग फेज में डिफरेंस क्या होता है स्टांस फेज वो फेज है जिसमें आपकी बॉडी का वेट आपकी टांग पे आ जाता है दैट इज स्टैंड फेज और स्विंग फेज वो है जब आपकी टांग हवा में होती है ठीक है तो इस गेट पैटर्न में एक तो नंबर वन जिसको ये गेट होगी या प्रॉब्लम होगा वो लिंप करेगा वो लंगड़ा के चलेगा और दूसरा उसका स्टांस फेज छोटा होगा स्विंग फेज से एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये देखें ये इस तरह के लंगड़ा के चलेगा बंदा जिसको ये मसला होगा वो कॉजेस में पेनफुल है डिफरेंट चीजें हो सकती हैं ठीक है लेट्स टॉक अबाउट द लेट इसमें क्या होता है बेसिकली आप लंगड़ा के चलते हैं या आप लिम्प करते हैं या आपका स्टांस uh, फेस आपकी आपकी टांग पे वजन नहीं आ रहा होता उसके रूट कॉज होगा या आपको नी ऑस्ट्राइथ्राइटिस है या कोई नी में प्रॉब्लम है या कोई हिप में प्रॉब्लम है या एंकल में प्रॉब्लम है ठीक है हेप और नी में ऑस्ट्रोथ्राइटिस हो सकता है या कोई इंजरी हो सकती है या फ्रैक्चर हो सकता है ठीक है और जो एंकल में भी कोई एंकल स्प्रेन हो सकता है या कोई फ्रैक्चर हो सकता है या कोई भी पेनफुल आपको ट्रीटमेंट हुआ वो हो सकता है जिसकी वजह से आप लिंप करते हो तो ये है उसकी कॉजेस और असेसमेंट आप करोगे देख के कि भाई वो लिंप कर रहा है वो जो पेशेंट है आपका वो लंगड़ा के चल रहा है और उसका स्टांस फिर छोटा है उसके स्विंग फेस से तो आपको पता चल जाएगा कि ये अगर उसको कोई भी नी uh, इंजरी आ गई एंकल्स पेन आ गए तो आप उसको ठीक करोगे तो उसकी गेट ठीक हो जाएगी सो दिस इज ऑल अबाउट इंटाल्जिक गेट सो डल गेट so, में क्या होता है आपके हिप एप वीक होते हैं हिप एप कौन से हैं जो आपके ग्लूटियस मीडियस एंड मेनमस ठीक है इसकी वजह से क्या होगा अगर आपकी राइट साइड के हिप एप वीक हैं तो आपका पैरिस ड्रॉप हो जाएगा लेफ्ट साइड का ठीक है तो कॉन्ट्रा साइड ड्रॉप हो जाएगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको असेसमेंट कैसे करोगे कि उसको टेंडल बर्ग साइन देखना पड़ेगा आपको पॉजिटिव है या नहीं है उसके लिए आप क्या कहते हो कि पेशेंट को कहते हो कि वो अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाए फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है वो राइट right साइड पे राइट right टांग पे खड़ा हुआ है और आप उसको पीछे से देखोगे बैक से ठीक है वो राइट right टांग पे खड़ा होगा तो उसका लेफ्ट साइड का अगर पैलिस ड्रॉप होगा तो इट मींस टेंडलबर्ग साइन इज पॉजिटिव ठीक है तो फिर ऐसे पेशेंट्स में जो टेंडलबर्ग साइन पॉजिटिव होगा तो हम उसको जो चलेंगे फिर जब पैलिस ड्रॉप करेगा तो उसको बोल देंगे टेंडलबर्ग गेट सो so, ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है यू हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिप एबडक्टर्स ग्लूटियस मीडियस में मिनिमस की स्ट्रेंथनिंग करानी है ठीक है वो आप कैसे करा सकते हो एबडक्टर्स <laughs> हैं तो आप उनको साइड लाइन में लिटा के रेजिस्टेंस दे सकते हो स्ट्रेंथनिंग के लिए लेकिन अब वो इतने वीक होते हैं मसल्स कि आप फर्स्ट फेज में स्ट्रेंथनिंग नहीं कराते पहले आप एक्टिव मूवमेंट्स कराते हो वो मुश्किल से पेशेंट कर पाता है ठीक है तो फिर उस, उसकी उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फेज में आप एक्टिव असिस्टेड कराते हैं आप उसको असिस्ट करते हैं कि एटलीस्ट वो परफॉर्म कर सके एबडक्शन हिप की फिर आप इसे आगे आगे प्रोग्रेस करते हो फिर आप उसको एक्टिव पे लेके आते हो और फिर जब वो एक्टिवली कर पाता है फिर आप उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो आप थेरा बैंड से भी कर सकते हो और डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो हाथ से भी उसको रेजिस्ट कर सकते हो साइड लाइन में तो ये डिफरेंट तरीके हैं स्ट्रेंथन करने के लिए हेप एबडक्टर्स को ओके नेक्स्ट गेट इज स्टेपेज गेट इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो पर्सन होता है उसके डॉर्सी फ्लेक्सेज वीक होते हैं और पेशेंट इज अनएबल टू लिफ्ट हिज फुट बेसिकली जब आपका फुट ड्रॉप करता है तो आपके कौन से मसल सही काम नहीं कर रहे होते डोर्सी फ्लैक्स तो यू हैव टू वर्क ऑन टिबियाल इंटीरियर एक्सटेंसिव हेलूशियस लॉन्गेस्ट एक्सटेंसिड जिटोरम लॉन्गेस्ट ये सारे एंकल के डॉर्सी फ्लैक्स हैं ठीक है एक पेशेंट जिसमें फुट ड्रॉप कर जाता है अगर प्रोनियल नर्व की इंजरी हो जाए फुट ड्रॉप कर जाए तो जो गेट होगी वो होगी स्टेपेज गेट तो ऐसे फुट uh, ड्रॉप की वजह से भी uh, अगर प्रोनियल नर्व डैमेज हो जाए तब भी फुट ड्रॉप हो सकता है प्रोनियल डैमेज ना भी हो और आपके मसल्स वीक हो जाए तो भी आपको स्टेपज गेट का प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है और इसमें आपको डॉर्सी फ्लेक्सर्स पे काम करना होता है ठीक है जब बंदा जिसको जिसके ये वीक होते हैं तो वो क्या करता है टोज को ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि उसके डोर्सी फ्लेक्सर्स वीक होते हैं तो क्योंकि पेशेंट के डोर्सी फ्लेक्सर्स वीक हैं तो वो अपने पाओ को ऊपर लिफ्ट नहीं कर सकता फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से उसका फुट नीचे ही ड्रैग करेगा इन एबिलिटी होगी कि वो फुट टो को ऑफ तो द ग्राउंड कर सके ठीक है तो इस गेट को स्टेपिज गेट कहते हैं सो लेट्स स्टडी अच्छा जब इसका ट्रीटमेंट अब ट्रीटमेंट क्या है जी स्टेपेज गेट में आपका था फुट ड्रॉप था तो हम डिफरेंट जो है वो स्पलिंट्स यूज कर सकते हैं और एंकल्स Uh, की एक्सरसाइज करा सकते हैं जिसमें आपकी स्ट्रेंथनिंग हो टिबियाल इंटीरियर की टिबियाल इंटीरियर किस पोजीशन में स्ट्रेंथन होगा जब हम डॉर्सी फ्लेक्शन कराएंगे ठीक है क्योंकि डॉर्सी फ्लेक्स उसके इतने वीक है उसका फुट ड्रॉप हो गया तो आप फर्स्ट फेज में रजिस्टेंस तो करा ही नहीं सकते सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्टिव असिस्टेड कराओगे फिर ऐसा ऐसा जब वो एक्टिवली कर पाएगा देन यू कैन डू डिफरेंट

तो आपकी हिप और नी पे फ्लैक्शन भी एग्जैजरेट हो जाती हैं, ठीक है क्योंकि आपका फुट क्योंकि लिफ्ट नहीं हो पा हो पा रहा ऊपर नहीं जा पा रहा डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं हो रही आपका पाव कंटिन्यूसली प्लांटर फ्लेक्शन में है डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा तो क्या होगा जब आप इस तरह चलेंगे फुट को ड्रैग करके तो आपकी हिप और नी पे फ्लैक्शन भी ज्यादा होगी नेक्स्ट इज गेट

और प्रॉपर तरीके से फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी हिप पर ठीक है ऑल दो हिप और इलियोसॉस भी होते हैं लेकिन दे ऑल्सो परफॉर्म तो ज्यादा इसका इफेक्ट आपकी नी की एक्सटेंशन में आता है तो जब वीक हो जाएंगे कॉर्डी सेप्स तो आपकी एक्सटेंशन uh, नी की कम हो जाएगी टर्मिनल स्विंग में ठीक है जब टर्मिनल स्विंग में आपकी एक्सटेंशन कम होगी तो पेशेंट क्या होता है कम्पनसेट uh, करता है हाथ के इसको हम हैंड टू नी गेट भी कहते हैं और कॉर्ड्रिस गेट भी कहते हैं ठीक है क्योंकि तो कॉर्डिस वीक है ये वाले मसल्स कॉर्ड्रिस वीक है तो इसको कंपनसेट करने की ताकि वो एक्सटेंशन में ही रहे नी पे पेशेंट हाथ रखता है अपने घुटने पे। दैट इज कॉर्डिस गेट नेक्स्ट इज एक गेट जिसे हम टो तो वॉकिंग भी कहते हैं एज यू कैन सी इन पिक्चर दिस इज टो वॉकिंग राइट right. तो बेसिकली क्या होता है ज्यादातर ये बच्चों में होती है ठीक है और अंडर द एज ऑफ टू और इसमें क्या होता है पेशेंट जो होता है एंकल को बेंड नहीं कर सकता अपवर्ड uh, पोजीशन में और क्या न्यूट्रल पोजीशन में लाने के लिए अच्छा जी अब क्योंकि ये बच्चों में होता है तो हम बच्चों के लिए डिफरेंट ब्रेसिंग और डिफरेंट uh, ऑर्थोटिक्स ट्रीटमेंट करेंगे हम डिफरेंट uh, uh, जो प्रोस्थीसेस यूज करते हैं वो स्पेशल बनाए जाते हैं ताकि फुट को न्यूट्रल पोजिशन में लेके आया जाए ठीक है डिफरेंट स्प्लिन और ब्रेसेस यूज की जाती हैं और कास्टिंग की जाती है और फिर uh, अगर उससे भी ठीक नहीं होता है, तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं उसको ठीक करने के लिए अगर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा फिजियोथेरेपी से ब्रेसिंग से कास्टिंग से फिर लास्ट प्रोसीजर प्रोसीजर जो है वो सर्जिकल नेक्स्ट इज हेमिप्लेजिक हेमिप्लेजिया बेसिकली होता क्या है कि एक पूरी साइड पे बॉडी बॉडी की मूवमेंट्स खत्म हो जाती है ठीक है पैरालिस होता है एक साइड पे वन साइड अगर हम बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें राइट एंड लेफ्ट में जैसे कि आपका सेलिटल प्लेन डिवाइड करता है आपकी बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में तो राइट right साइड का अगर पैरालिसिस हो जाए इफ इसका मतलब है कि राइट साइड का कोई भी चीज काम नहीं कर रही मतलब आपका बाजू काम नहीं कर रहा आपकी टांग काम नहीं कर रही ठीक है ज्यादातर पेशेंट्स में होगी ये गेट उसमें क्या होता है बेसिकली जब आप चलते हैं तो आपका जो है आप आपका बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती जब आप चलते हैं तो आप ऐसे आपकी टांग सरकमडक्ट करती है ऐसे फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट को राइट साइड का हैमिप्लीजिया है तो ये जब चलेगा तो क्योंकि इसमें कोई भी मूवमेंट uh, नहीं है कोऑर्डिनेशन नहीं है कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है प्लीजिया हुआ हुआ है पैरालिसिस हुआ हुआ है तो जब ये चलेगा तो ये इस तरह ड्रैग करेगा सरकमडक्शन करेगा जब चलेगा ठीक है इसमें क्या होता है आपके हिप एक्सटेंसर्स नी एक्सटेंसर्स और uh, इसके अलावा आपके कॉर्डरी सेल्स प्लांटर्स सब वीक हो जाते हैं ठीक so, है यू हैव टू वर्क ऑन ऑल मसल्स सो टेक्सिक गेट ए बेसिकली क्या होता है एबनॉर्मल एंड अनकोर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं आपकी uh, जब आप चलते हैं ठीक है बेसिकली अनस्टेडी स्ट्रेगरिंग गेट है जिसे हम एक टेक्सिक गेट कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होती और ये है ए टैक्सिया की वजह से होता है इसलिए उसको ए टैक्सिक गेट बोलते हैं ठीक है सैरी ब्लड uh, सैरी बैलर और ए टेक्सिया इज बेसिकलीफंक्शन सैरी बैल एम जो कि ये ब्रेन का एक पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स ठीक है तो सिम्टम्स क्या है एक टैक्सिक गेट के कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी जब आप चलेंगे तो पोटेंशियल है कि आप गिर जाएं और फ्रीक्वेंट फॉलिंग एपिसोड्स लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन द लेग्स और एम्बुलेशन डिफिकल्टीज चलने भी डिफिकल्टीज होती हैं <laughs> क्योंकि आपकी सेरिब्रल एयर टेक्सिक की वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है मूवमेंट्स में और uh, तो इसलिए आप स्टम्बल करते हैं गिरते हैं और इसमें कोई प्रॉपरी नहीं है आपकी सो यू हैव टू वर्क ऑन दो थिंग्स टू कंपनसेट फॉर द प्रॉब्लम सो द एक्सरसाइजेस जो इसमें हम कराएंगे वो बेसिकली आपकी प्रॉपर सेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए हैं ताकि आपको अवेयरनेस आए कि आपकी बॉडी किस तरह ताकि कहाँ मूव करिए किस तरह मूव करिए और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जा सके ठीक है तो हम ज़्यादातर बिठा के और लटा कर ही कराएंगे क्योंकि पेशेंट को सेल्बल एटेक्सिया होता है उसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है रिलीगेट तो लाइंग बैन नी रोटेशन ठीक है लटा के कराएंगे And lying bend, uh, उसके बाद नीलिंग uh, है जैसे हम कैट एंड बोलते हैं राइट क्वार्रप्ट वेट शिफ्टिंग क्वार ऑपोजिट आर्म एंड लेग एक्सटेंशन सिट टू स्टैंड सिटिंग लैटरल शिफ्ट सिटिंग लैटरल शिफ्ट का मतलब है कि बिठा के हम उसे कहेंगे लैटरली मूव करे

The next is Parkinson's Parkinson's gear, के में होगी skate की क्या है? कि short steps होंगे steps होंगे ठीक है और पेशेंट ड्रैग करेगा अपनी एक या दोनों टांगों को और जब कोई फिजिकल बैरियर आएगा या कोई आगे कोई चीज आ जाएगी पेशेंट की जब वो चल रहा होगा तो वो वहां पे फ्रीज कर जाएगा वो वो टर्न नहीं ले सकता वो मुड़ नहीं पाएगा वही फ्रीज हो जाएगा और हो सकता है स्टम्बल करके गिर जाए तो ये आपकी इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये पार्किनसंस गेट है ठीक है क्योंकि आपको भी पता जाएगा पार्किस के पेशेंट में होती है तो यू कैन टेल अच्छा जी आप इस किस तरह ठीक करेंगे ट्रीटमेंट क्या है कि क्योंकि पेशेंट स्मॉल स्टेप्स लेते हैं हमसे कहते हैं कि बिग स्टेप्स ले ठीक है जैसे आप मार्च करते हैं वैसे ठीक ठीक है है रेज नी एंड स्टार्ट बाय पेसिंग योर हील फर्स्ट ऑन द फ्लोर अपनी नी को रेस करे और अपनी स्टार्ट जैसे पाव जमीन पर रखे हील को स्ट्राइक करे इस तरह लंबे बड़े बड़े स्टेप्स ले टेक वाइड टर्न एज यू आर ऑन राउंड अबाउट क्योंकि पेशेंट फ्रीज कर जाता है जब एक कोई भी ऑब्स्टिकल आता है या कोई चेयर आ जाती है उसके आगे या कोई भी चीज आ जाती है उसके आगे तो पेशेंट वहीं पे स्टॉप हो जाता है और स्टंबल करके गिर सकता है तो उसे कहते हैं कि आपने रुकना नहीं है आप जब आपको पता चल जाए कि आगे कोई टेबल पड़ा है चेयर पड़ी है तो आप वहां से राउंड अबाउट की तरह एक लंबा सा वाइट टर्न लें ठीक है और क्रॉस ना करें अपनी लेग्स को चलते हुए और जब आपको लगे कि आप वहां पे किसी पॉइंट पे फ्रीज हो रहे हैं तो आप मार्चिंग करें ये सारी चीजें हैं ठीक करने के लिए पार्क को पार्क एंसंस गेट को सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क